दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेकर काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, जो बहुत लोग जानना चाह रहे थे कि बिहार डीएलएड का ऑनलाइन आवेदन कब शुरू हुआ। तो ऐसे में आपका जो है ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुका है। एक नोटिस जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024 से 2026 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यह सूचना जारी किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपका ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगा, यहाँ पर बताया गया कि उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 2/2024 से आपका जो है ऑनलाइन शुरू होगा, मतलब कि आज से आपका जो है आवेदन शुरू हो जाएगा। 2/2024 से 15/2024 तक आपका आवेदन चलेगा, मतलब कि आपका 15/2/24 को आपका लास्ट डेट है आपका आवेदन का, तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि आपको 12th पास होना चाहिए। 12th में पास होने के साथ आपका 50% उसमें मार्क्स होना चाहिए, 50% उसमें मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसमें अपना फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप नीचे जाति से आते हैं तो इसमें आपको 5% का छूट दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको 5% का छूट दिया जाएगा अगर आप नीचे जाति से आते हैं तो, आरक्षित कोटि से आते हैं तो इसमें आपको 5% का छूट दिया जाएगा, मतलब कि आपको 45% मार्क्स होना चाहिए 12th में। अगर आप SC ST से आते हैं तो इसमें आपको 5% का छूट मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप इसमें आप साथ ही साथ यहाँ पर भी यहाँ पर उम्र सीमा भी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के न्यूनतम सीमा उम्र सीमा 1 जनवरी 2024 से को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए होगी, मतलब कि सभी कोटि के लिए होगी, मतलब कि आपका 1 जनवरी 2024 से आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कि आपका 1 जनवरी 2024 से 17 वर्ष हो रहा है या नहीं। 1 जनवरी 2024 से आपका देखा जाएगा कि आपका 17 वर्ष हो रहा है या नहीं आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। और साथ ही साथ आपका जो है एडमिशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन आवेदन पहले होगा, उसके बाद आपका जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के बाद आपको जितना नंबर से आप बढ़िया नंबर से पास करते हैं उसके बाद आपका जो है काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद आपका जो है कॉलेज का आवंटन होगा, मतलब कि आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आपको इतना प्रोसेस के बाद गुजरना पड़ेगा। तो इसे ही आपका जो एडमिशन डीएलएड का जो एडमिशन प्रोसेस है इसी प्रकार से है पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण जो बताया गया है कि आपका EBC या ST जो थी इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र या EWS इस तरह से आपको आरक्षण मिल सकता है। EWS EBC या जाति प्रमाण पत्र ये सब अपना बनाकर आरक्षण ले सकते हैं, आरक्षण भी दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रवेश पत्र एंट्रेंस टेस्ट इस तरह से होगा, प्रवेश पत्र में परीक्षा में ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा से आयोजित होगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुकैल्पिक होंगे, मतलब कि आपका जो है 120 प्रश्न होगा उसमें आपका बहु होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रवेश पत्र की अवधि जो है एंट्रेंस टेस्ट की प्रवेश पत्र की अवधि जो है रखा गया है 150 मिनट, मतलब कि 2 घंटा 30 मिनट आपका जो है प्रवेश पत्र की अवधि रखा गया है। आपका एग्ज़ाम जो है 2 घंटा 30 मिनट तक चलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रवेश पत्र का प्रारूप पैटर्न एंट्रेंस टेस्ट इस प्रकार रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विषय आपका जो है विषय रहेगा और यहाँ पर प्रवेश प्रश्नों की संख्या और निर्धारित अंक यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर समान हिंदी का इस तरह से आपका समान हिंदी इस तरह से 25 प्रश्न रहेगा, उसमें आपका 25 अंक लाना होगा। और मैथमेटिक्स का 25 प्रश्न रहेगा, उसमें आपको 25 अंक लाना होगा। विज्ञान में भी 20 प्रश्न रहेगा, 20 अंक लाना है। और सामाजिक अध्ययन में 20 प्रश्न रहेगा और 20 अंक लाना है इसमें। और समान अंग्रेजी में आपका 20 प्रश्न रहेगा और 20 अंक इसमें लाना है।
इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं तार्किक विश्लेषण क्षमता, ये 10 प्रश्न रहेगा, 10 अंक लाना है, और आपका कुल जो रहेगा 120 प्रश्न रहेगा, इसमें आपका 120 नंबर लाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 नंबर का रहेगा। और न्यूनतम अर्हक अंक मतलब कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब कि आप कितना नंबर तक इसमें आप अपना पास कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड संयुक्त तो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हक अंक अनारक्षित श्रेणी मतलब श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि ईबीसी या ईबीसी या पीसी या जनरल से है तो इसमें आपको 35% मार्क्स लाना होगा, इसमें अपना 35% मार्क्स को लाना होगा तभी आप इसमें अपना पास कर पाएंगे। अगर आप एससी एसटी से हैं तो इसमें आपको 5% इसमें कम होगा यहाँ पर। अगर आप एससी से अगर आप अच्छी से आते हैं तो इसमें आप अच्छी श्रेणी से आते हैं तो उम्मीदवार के लिए 30% तो लाना होगा उस आरक्षित का, एससी एसटी से हैं तो इसमें आपको 30% तक अपना लाना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर परीक्षा शुल्क एग्जामिनेशन फी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका श्रेणी जो है समान कोटि आर्थिक रूप से कमजोर मतलब कि जनरल ईबीसी बीसी का जो है 960 रुपये लगेगा, आवेदक शुल्क जो है 960 रुपया लगेगा, परीक्षा फी 960 रुपया लगेगा और एससी एसटी का 760 रुपया लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आवेदन करने की तिथि आप आगे भी हम बता दी है कि यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस वेबसाइट से अपना ऑनलाइन आवेदन को करना है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से ही अपना ऑनलाइन आवेदन को करना है। ऑनलाइन आवेदन करने का हम एक डिटेल वीडियो बता देंगे, जैसे ही इसका लिंक ओपन होता है तो हमें एक डिटेल वीडियो बना देंगे जहाँ से आप अपना ऑनलाइन आवेदन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि देख सकते हैं आपका जो 2/2024 आपका आवेदन शुरू होगा, 15/2024 तक आपका आवेदन चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु पे बटन पर क्लिक करेंगे और तो आवेदन पत्र निचले भाग में उपलब्ध रहेगा। परीक्षा शुल्क की राशि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से अपना कर पाएंगे, डेबिट कार्ड या यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना ऑनलाइन पेमेंट को कर पाएंगे, भुगतान करने की अनुमति होगी। अलावे अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके अलावा और कोई भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें फोटो सिग्नेचर और के लिए भी गाइडलाइन बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइन बताया है। अभ्यर्थी को फोटो का फोटोग्राफ स्कैन किए हुए साइज जो आपका फोटो का साइज होना चाहिए 20 KB से 100 KB तक आपका साइज होगा और तक आयम 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इतना आपका रहना चाहिए वीडियो हाइट यहाँ पर देख सकते हैं होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 KB से 50 KB तक आपका होना चाहिए। आपका जो हस्ताक्षर होगा उसमें आपका स्कैन करके आपका 10 KB तक से 50 KB तक अपना बना लेना है, उसके बाद ही इसमें अपलोड करना है। रंगीन फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है, रंगीन फोटोग्राफ हाल रिसेंट का होना चाहिए एवं बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्का रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए तथा अभ्यर्थी के आँख एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब बताया गया है, यदि फोटोग्राफ में लाल रेड आई इफेक्ट आता है तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि और जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होता है तो हम आपको एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि आपको ऑनलाइन आवेदन इसमें अपना कैसे करना है और पेमेंट कैसे करना है, तो एक डिटेल वीडियो बना देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और छोटी बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, इसका लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं।